Hello student, welcome to the sixth lecture of hydrogen chapter. In this lecture we are going to talk about very important topic of this chapter, that is hardness of water. इसके ऊपर नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे. ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. ना स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ध्यान से देखें, वाटर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, जो हम लोग डेली यूज में लाते हैं. बट वाटर जो होता है तीन टाइप का होता है. एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है हैवी वाटर और एक होता है सुपर हैवी वाटर. इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सुपर हैवी वाटर. तो बेसिकली वाटर हम लोग बेसिक लैंग्वेज में तो हम लोग बेटा वाटर ही बोलते हैं, बट एक्चुअल में टोटल चार टाइप के वाटर होते हैं. सुपर हैवी वाटर मतलब T2O हाइड्रोजन का आइसोटोप. हैवी वाटर का मतलब होता है D2O जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोलर के तौर पे यूज होता है. एंड सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है जो हम लोग पानी पीते हैं, दैट इज H2O. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड वाटर. नाउ हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है और सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या होता है, हम लोग इन दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे. ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया. तो सुनो, सॉफ्ट वाटर वो होता है विच कैन फॉर्म सफिशियंट अमाउंट ऑफ लैदर विद सोप. जो सफिशियंट अमाउंट में क्या बना सकता है, झाग बना सकता है सोप के साथ, उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड वाटर. हार्ड वाटर इज द वन विच फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल स्कम बिफोर इट फॉर्म्स लैदर विद द सोप. मतलब सोप के साथ झाग बनाने से पहले वो एक इनसॉल्युबल स्कम बनाएगा. वो क्या होता है मैं आपको केमिकली भी समझाता हूँ. लैदर विद द सोप. सो बेसिकली अगर हम बात करें वाटर के बारे में, तो वाटर के बारे में मतलब चार पॉइंट बोल सकते हैं. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ वाटर. सॉफ्ट वाटर व्हिच इज आल्सो नोन एज पोर्टेबल वाटर, हार्ड वाटर, हैवी वाटर एंड सुपर हैवी वाटर. सुपर हैवी वाटर इज T2O, हैवी वाटर इज D2O, सॉफ्ट वाटर इज H2O व्हिच इज आल्सो नोन एज पोर्टेबल वाटर. इट फॉर्म्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैदर विद द सोप. अगर इसमें आप साबुन डिओडोरेंट यूज करते हो, रब करते हो, तो आपको लैदर मिलेगा, बहुत सारा झाग मिलेगा. बट अगर आप हार्ड वाटर में सोप रब करोगे तो आप थक जाओगे, लेकिन उसमें बहुत कम झाग बनेगा, बिकॉज वो एक इनसॉल्युबल स्कम बनाता है विथ सोप बिफोर इट फॉर्म्स लैदर विद द सोप. तो व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर दिस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस आता किस वजह से, वाटर के अंदर हार्डनेस आने का मेन कारण क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स. बेसिकली जिस वाटर में कैल्शियम प्लस टू और मैग्नीशियम प्लस टू के सॉल्ट प्रेजेंट होता है. अब ये सॉल्ट कौन से होने चाहिए, या तो क्लोराइड हो सकता है, या फिर सल्फेट हो सकता है, या फिर बाइकार्बोनेट हो सकता है. दिस वाटर में क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट है, उसको हम लोग कौन सा वाटर बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये पानी के अंदर ऐसा क्या चेंजेस करते हैं कि सोप अपना उसमें लादर बनाने में पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो उसका रीजन क्या है. रीजन अगर हम लोग बात करें सोप के फॉर्मूला के बारे में, तो इट इज C17H35. बेसिक ये सोप का जनरल फॉर्मूला है. अगर हम लोग बात करें Na+, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सोप हो गया. अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊ हार्ड वाटर के साथ, तो हार्ड वाटर में कौन से सॉल्ट है, कैल्शियम 2+ के सॉल्ट है या फिर मैग्नीशियम 2+ के सॉल्ट है. तो ये लोग क्या करेंगे, ये कहां से आया, फ्रॉम डैश वाटर, हार्ड वाटर. वेरी नाइस, ये आपका आया हार्ड वाटर से. ओके, तो अगर मैं बात करूं तो ये लोग क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करके, इसके दो मोल्स है क्योंकि इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 2 है, तो इट विल फॉर्म C17H35COO ट्वाइस. या तो इधर कैल्शियम आ जाएगा या फिर C17H35COO ट्वाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा, Mg, करेक्ट. और साथ में यहाँ पे आ जाएगा -2Na+ और यहाँ पे भी -2Na+, राइट. सो बेसिकली ये जो कंपाउंड बना है, इट इज नोन एज स्कम एंड इट इज इनसॉल्युबल. तो जब तक ये बनते रहेगा, तब तक बेटा आपका सोप बेसिकली यूज होते जा रहा है हार्ड वाटर में, और इससे बेटा आपको कभी मतलब लैदर मिलेगा ही नहीं. सो अगर हम लोग बात करें हार्डनेस की, तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डनेस, उसके बाद में व्हाट इज द रीजन फॉर हार्डनेस, ठीक है ना, उससे स्कम कैसे बनता है वो पढ़ा. Now let us study the types of hardness.
टाइप्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस बच्चों दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्पोररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। दोनों का मीनिंग अलग है एंड बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, जो टेम्पररी हार्डनेस होती है इट इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, अगर आपके वाटर में बाइकार्बोनेट सॉल्ट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों सॉल्युबल होते हैं, ग्रुप टू के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो इस वजह से बेटा हार्डनेस आता है। तो अगर ये दोनों प्रेजेंट है आपके वाटर में तो उसको टेम्पररी हार्डनेस बोलेंगे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ हार्डनेस इज टेम्पररी हार्डनेस, सेकेंड इज परमानेंट हार्डनेस। इफ वी टॉक अबाउट परमानेंट हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम, राइट, मैग्नीशियम 2+। नाउ अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनकी वजह से कौन सा हार्डनेस आता है? परमानेंट हार्डनेस आता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट देयर फॉर्मूलाज इट इज गोइंग टू बी CaCl2 MgCl2, इसका मतलब वाटर के अंदर ये सॉल्युबल पार्ट में है, और इसका अगर हम लोग सल्फेट का फॉर्मूला देखें तो इट इज गोइंग टू बी CaSO4 एंड MgSO4। सो बेसिकली हार्डनेस कितने टाइप की होती है? दो, वन इज टेम्पोररी हार्डनेस एंड सेकेंड इज परमानेंट हार्डनेस। नाउ लेट अस स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू रिमूव दिस हार्डनेस, मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर आपको हार्डनेस रिमूव करना है तो उसके मेथड्स क्या है? सो इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम लोग सिर्फ टेम्पररी हार्डनेस का मेथड सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट परमानेंट हार्डनेस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है। सो मेथड्स टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, इफ आई वॉन्ट टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस वी हैव टू मेथड्स, वन इज बाय बॉइलिंग, सिंपली बाय बॉइलिंग, ठीक है, एंड सेकेंड इज बाय क्लार्क्स प्रोसेस, ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पे क्लार्क्स प्रोसेस, ठीक है, यही आपके मी 2019 में आया था। ना बॉइलिंग से होता क्या है बेसिकली, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग से बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो बाइकार्बोनेट के सॉल्ट होते हैं वो बेटा डीकम्पोज होके कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूं कि जो ग्रुप टू के कार्बोनेट्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। सो बेसिकली बाय बॉइलिंग द इनसॉल्युबल, दैट इज फर्स्ट पार्ट के लिखेंगे, सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू, बाइकार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट्स व्हिच आर इनसॉल्युबल। सो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट बाय बॉइलिंग। तो ये होता कैसे जरा देखते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये कहाँ से आया? फ्रॉम हार्ड वाटर, ये आपके हार्ड वाटर से आया, राइट। अगर मैं इसको हीट करूँ, दैट इज बॉइल करूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaCO3+H2O+CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे एक बात बताओ, ये सॉल्यूबल था कि इनसॉल्यूबल था? ये तो सॉल्यूबल था तभी तो हार्डनेस था, बट अभी ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, राइट, तो ये क्या है? इनसॉल्यूबल है। सो तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और इससे हार्डनेस निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल MgHCO3 twice, अगर मैं इसको भी बात करूँ हीटिंग की, तो ये भी क्या है बच्चों, सॉल्यूबल है कि इनसॉल्यूबल है? सॉल्यूबल है। अगर मैं इसको हीट करूँ तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2O+CO2। सो ये भी सॉल्यूबल से किसमें कन्वर्ट हो गया? इनसॉल्यूबल में। तो ये भी पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाय बॉइलिंग वी कैन रिमूव ओनली टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें परमानेंट, सॉरी सेकेंड, दैट इज बाय क्लार्क्स प्रोसेस, तो क्लार्क्स प्रोसेस में व्हाट वी यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी यूज या तो क्विक लाइम, दैट इज CaO, और स्लेट लाइम, या तो आप CaO यूज करोगे या फिर CaOH2 यूज करोगे। इसकी मदद से आप लोग टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर सकते हो बाय क्लार्क्स प्रोसेस। कैसे? ध्यान देना, ये जो क्विक लाइम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हो जिसको स्लेक लाइम बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनसॉल्युबल जो बाइकार्बोनेट होते हैं, इनसॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स, इनको बच्चों सॉल्युबल कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉरी, ये सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स है, माय मिस्टेक, सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स को इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में।
और अगर इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बेटा वो वापस से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और दे विल सेटल एट द बॉटम। तो कैसे होता है जरा देख लेते हैं। इफ आई हैव कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद CaO, करेक्ट, व्हेन इट रिएक्ट्स विद CaO इट गिव्स यू CaCO3 टू टाइम्स प्लस साथ में आपको क्या मिलेगा H2O मिलेगा, राइट। सो द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। नाउ अगर हम लोग बात करें सेम रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, तो सेम आपको CaCO3 भी मिलेगा और साथ में H2O मिलेगा। बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। दिस इज रिएक्शन विद कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड लेट अस स्टडी द रिएक्शन विद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये भी बेटा सॉल्युबल होता है, इसकी वजह से हार्डनेस आता है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करें किसके साथ, CaO के साथ, राइट। तो यहाँ पे बनेगा दो PPT, एक तो CaCO3 का और एक साथ में MgCO3 का प्लस वाटर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ऑल्सो नोन एज स्लेक लाइन, तो बेटा यहाँ पे भी वापस आपको मिलेगा CaCO3 प्लस MgCO3 अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो बेसिकली अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में यहाँ पे जो है ये इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया, ये सॉल्युबल था, ये भी इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया, ये दोनों भी क्या थे सॉल्युबल, और इसी की वजह से क्या आ रहा था, हार्डनेस आ रहा था। बट अभी अगर आप ध्यान से देखो तो एक, ये दो, ये तीन और ये चार, और यहाँ पे भी ये दो कंपाउंड, ये सब के सब इनसॉल्युबल है। तो इफ दे आर इनसॉल्युबल तो इनकी वजह से हार्डनेस जो आ रहा था बेटा, सॉरी माई मिस्टेक, और एक ऑप्शन किसका बनाया था, क्लार्क्स प्रोसेस का बनाया था। तो ऑप्शन वाज क्लार्क्स प्रोसेस। तो एक्चुअल में बेटा हार्डनेस क्या होता है वो पढ़ा हमने। अगर किसी भी पानी में, आप लोगों ने बहुत बार देखा रहेगा कभी गांव साइड में जाते हो या फिर कहीं पे जाते हो, तो वहाँ का पानी हम जहाँ पे रहते हैं उधर के पानी से थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो एक्चुअल में कैसा होता है, उसके अंदर थोड़ा हार्डनेस होता है। तो आप अगर उसके अंदर साबुन रब करते हो तो इतना झाग नहीं बनता जितना हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। अब ये सॉल्ट कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है और बाइकार्बोनेट हो सकता है। अगर वो क्लोराइड है, सल्फेट है, तो उसको टेम्पररी नहीं परमानेंट हार्डनेस बोलेंगे, और अगर वो बाइकार्बोनेट है तो उसको टेम्पररी हार्डनेस बोलेंगे। टेम्पररी हार्डनेस निकालने के दो तरीके, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय बॉइलिंग एंड सेकेंड इज बाय क्लार्क्स प्रोसेस। सो दिस इज और दीज आर द मेथड्स टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। एंड ये हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक खत्म किया, दैट इज टेम्पररी हार्डनेस। इसके नेक्स्ट लेक्चर, सेवेंथ लेक्चर में हम लोग परमानेंट हार्डनेस को निकालने के तरीके पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।